दोस्तों नमस्कार। आज मैं आया हूँ महू, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बर्थ प्लेस है। तो इसके बारे में मैं आपको एक एक करके वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसे आप इंटरेस्ट में घुसेंगे, यहाँ पे रहेगा राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले साहित्य केंद्र, और सामने है नालंदा वाचनालय जो कि निःशुल्क है। जब आप सीधे आएंगे सामने से लेफ्ट साइड में एंट्रेंस है। ये एक म्यूजियम टाइप का है। चुप। यहाँ पे बाबा साहब की फोटो पुरानी, ये फोटो है डॉक्टर अम्बेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती प्रथा प्रतिबंधक विधेयक, बेगार प्रथा के विरुद्ध अनुवांशिक व्यवस्था प्रतिबंधक विधेयक और श्रमों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित करवाए, यानी कि फार्मर के फेवर में। और नेक्स्ट है डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब ने सिर्फ एक ही शर्त पर शपथ ली थी कि स्त्री पुरुष की समता समर्थक होंगे ये लोग। तो ये बाबा साहब शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की 18 मई 1950 को। और नेक्स्ट है हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनवाकर उसे राजगृह नाम देकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मुद्रालय स्थापित किया। यहीं से उन्होंने मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि व्रत पत्र प्रकाशित किए। तो ये बाबा साहब की हिंदू कॉलोनी दादर में उन्होंने अपने घर में एक लाइब्रेरी बनवाई है, जो उसे उन्होंने राजगृह नाम दिया है, जहाँ पे उनकी 26,000 बुक्स अवेलेबल हैं। और 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए, और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलर शेर के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक संबोधन भी किया था। नेक्स्ट है डॉक्टर अम्बेडकर ने येवला परिषद में सन 1935 को मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं मरूंगा कि सिंह गर्जना की थी, उसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अम्बेडकर धर्मांतरण करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा करना आरंभ कर दिया। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषता जातिगत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा और डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और नेक्स्ट है एरवड़ा जेल में आम वृक्ष के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर अम्बेडकर ने कहा, गांधी जी देश को आपकी ज़रूरत है, आमरणासन का हथियार हर जगह न चलाएं। गांधी जब आमरणासन पर बैठे थे तो ये बाबा साहब ने उनको बताया था। नेक्स्ट डॉक्टर बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठावाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए उसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रखी गई थी। औरंगाबाद मराठावाड़ा विद्यापीठ है।
दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए। बाबा साहब 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क गए और वर्ष 1915 तक यानी 13 से 15 तक वहाँ के ग्रंथालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययनरत होकर सबसे आखिरी में जाने वाले शोधार्थी भीमराव अम्बेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे। 1917 में उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई। वापस भारत आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक विश्वविद्यालय में MSc और DSc तथा बार एटलॉ की शोध उपाधियों हेतु स्वयं को पंजीकृत कर लिया था। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एक्सिस्टेंस। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जुलाई 1913 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और नेक्स्ट है 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्म की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए नानक चंद्र रत्तू और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। डॉक्टर सविता अम्बेडकर और नानक चंद्र रत्तू जो उनके बहुत क्लोज थे उनके साथ उन्होंने 5 दिसंबर की रात को अंतिम समय अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्म की अंतिम पंक्तियां लिखीं। स्वतंत्र भारत का संविधान अम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल अब्दुल कलाम और आज़ाद गोपालाचार्य के समक्ष पेश किया 25 नवंबर 1949 को। पुत्री माता भीमाबाई जन्म पूर्णिमा 1854 और स्मृति दिसंबर 1896 बौद्ध विहार मैत्री। वो बाबा साहब की माँ हैं, पीछे खड़ी हैं फोटो में जो सॉरी, और यहाँ पे क्लियर लिखा है सुधार कार प्रगति पर इस पेटी में दान न डालें। ये बाबा साहब की मेन फोटो है। बाबा साहब के पिताजी हैं सूबेदार राम जी पूजनीय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार 1991 में दिया। ये बाबा साहब की फोटो है। दूसरा है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने अलिस्ट फिस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की। महाराजा गायकवाड़ जी ने जो कि बड़ौदा के थे उन्होंने 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी थी। उसके बाद उन्होंने एल्फिस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक की परीक्षा पास की। हिंदू गॉडवेल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से हाथ डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 27 सितंबर 1951 को उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपना हिंदू कोडविल और पिछड़ी जातियों का आरक्षण के समय के लिए बात की थी जो स्वीकार नहीं हुआ, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। और ये उनका बचपन का फोटो है माता भीमाबाई और पिता रामजी अम्बेडकर के 14वें संतान थे। भीमराव रामजी सकपाल का जन्म काली पलटन महू में 14 अप्रैल 1891 को बालक के जन्म के पश्चात माता पिता से पालने में झूला दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी मेमोरी है तो मैं एक बार यहाँ से दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये जब पैदा हुए तब का है, ये उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तब का है, ये उन्होंने जब महाराजा गायकवाड़ जी के द्वारा स्कॉलरशिप दी तो उन्होंने मुंबई से स्नातक की परीक्षा पास की, ये बाबा साहब को भारत रत्न मिला। और इधर उनके पिताजी हैं साथ में उनकी फ़ोटो बाबा साहब की माताजी हैं
और ये बाबा साहब ने संविधान बना के दिया। और 5 दिसंबर जब उनका अंतिम दिन था तो उन्होंने दि बुद्धा एंड इस धम की अंतिम पंक्तियाँ लिखी वसीयत के रूप में। नेक्स्ट उन्होंने अपना कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की 1913 में फ़ोटो है, और ये है जब उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए थे तो कैसे गुजारा करते थे वो है। बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय में औरंगाबाद में उन्होंने नींव रखी, और एरवड़ा जेल में गांधी जी जब मरणासन पर बैठे थे तो उनको समझा रहे हैं। नेक्स्ट ये है जब बाबा साहब नेपाल में मुख्य अतिथि सॉरी ये है एवला में, मैं हिंदू पैदा हुआ बट मरना नहीं चाहता, ये उनका मेन मुद्दा था ये, इसलिए सब घबरा गए तो सारे धर्म के लोगों के बीच में। नेक्स्ट बाबा जी को नेपाल में सम्मान मिला वो फोटो है, और ये उनको मूक नायक बहिष्कृत भारत प्रबुद्ध भारत जो उन्होंने बुक लिखी है, खुद के अपने घर को उन्होंने संग्रहालय बनाया वो है। और ये है उन्होंने 18 मई 1950 को भारत के मंत्री कानून मंत्री के पद पर की शपथ ग्रहण करते हुए, बाद में उन्होंने ये किसानों के हित में जब वो मंत्री बन गए थे तो उन्होंने किसानों के हित में किया वो है। सो फाइनल ओवरऑल आप देख सकते हैं, ये म्यूजियम है बाबा साहब का, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, ये आई थिंक इट्स छावनी का ओवरव्यू है, और ऊपर का मैं अभी आपको दिखा दूंगा। Can you fly? Oh yeah.